ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के रिश्ते को लेकर कुछ दिनों तक उन अफवाहों पर फुल स्टॉप लग गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि दोनों का तलाक होने वाला है। अभिषेक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान के इंटरव्यू में अपनी मैरिज रिंग फ्लॉन्ट करते हुए खुद को शादीशुदा बताया था। हालांकि इसके बाद भी अभिषेक को वाइफ ऐश्वर्या और बेटी आराध्या बच्चन के साथ एक बार भी स्पॉट नहीं किया गया। हाल ही में आराध्या और ऐश्वर्या गणपति पंडाल के दर्शन करने पहुंची थी, दोनों वहां भी अकेले ही गई थी। इस दौरान दोनों पंडाल की भीड़ में फंसी हुई नजर आई थी। और अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या राय बच्चन का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर देखा जा सकता है। इस दौरान उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी उनके साथ दिखी। ऐश्वर्या बेटी संग साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स साइमा में पार्टिसिपेट करने दुबई गई हैं। उनकी तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन 2 को भी नॉमिनेशन मिला है। वीडियो में लोगों का ध्यान ऐश्वर्या राय बच्चन की मैरिज रिंग पर गया, जो उन्होंने नहीं पहनी थी। अभिषेक बच्चन से अलग होने के अफवाहों के बीच शादी की अंगूठी नहीं देखने पर लोगों ने फिर से दोनों के अलग होने के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। कमेंट सेक्शन से पता चलता है कि उन्हें मुंबई में भी बिना रिंग के देखा गया था। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या वाकई में ऐश्वर्या और अभिषेक का रिश्ता खत्म हो चुका है, क्या सच में दोनों तलाक लेने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दोनों कुछ दिन पहले अभिषेक बच्चन की उंगलियों से भी शादी की अंगूठी गायब थी, वो भी वेडिंग रिंग के बिना देखे गए थे। अब ऐश्वर्या ने भी वेडिंग रिंग उतार दी है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन पिछले कुछ समय से तलाक की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी को 17 साल हो चुके हैं। इस साल जुलाई में अभिषेक के बिना अंबानी फंक्शन में ऐश्वर्या राय पहुंची थी और इस वायरल वीडियो ने सेपरेशन की अफवाहों को भी हवा दी। जुलाई में दोनों अनंत राधिका की शादी में शामिल हुए थे, लेकिन अलग अलग आए थे। दोनों ने शादी में साथ में पोज तक नहीं दिया। लंबे वक्त से ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की खबरें चल रही हैं। कुछ महीने पहले ही ऐसी खबरें थी कि ऐश्वर्या और अभिषेक ग्रे डिवोर्स ले सकते हैं, और वैसे भी अभी तक अलगाव या मतभेदों की खबरों पर ऐश्वर्या और अभिषेक के साथ साथ पूरे बच्चन परिवार में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा है। ऐश्वर्या और अभिषेक ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2007 में शादी की थी। उनकी बेटी आराध्या है। अब ऐश्वर्या सिर्फ अपनी बेटी आराध्या के साथ ही नजर आती हैं। ना ही ऐश्वर्या अब अभिषेक के साथ दिखी जाती हैं और ना ही आराध्या ही अपने पापा के साथ नजर आती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहती हैं, वो अपनी मॉम के साथ कई सालों पहले ही शिफ्ट हो चुकी हैं, और यही वजह है कि कई बड़े कोएजेंस पर भी दोनों अपने परिवार के साथ नहीं दिखाई देती। आए दिन ऐश्वर्या और अभिषेक के सेपरेशन की खबरें सोशल मीडिया पर आती हैं और एक बार फिर ऐश का बिना वेडिंग रिंग पहने स्पॉट होना कई सारे सवाल उठा रहा है। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की अपडेट्स के लिए देखते रहें एनएन बॉलीवुड एंड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।